गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। हम अभी तक पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना। तो इससे पहले हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अध्ययन किया, सोने के पन्नी का प्रयोग। अब उनमें जो कमियां रह गई थी वो वैज्ञानिक बोर द्वारा दूर करने की कोशिश की गई, और वैज्ञानिक नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के लिए निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। यानी रदरफोर्ड ने तो बताया था कि नाभिक होता है केंद्र में और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इतनी बात ही गई थी रदरफोर्ड ने। लेकिन बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही, अलग अलग पथों में ही, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, अर्थात अपने निश्चित कक्षाओं में, विविध कक्षाओं में जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा, अर्थात वो ऊर्जा खोएगा नहीं और कहीं से देगा भी नहीं। तो इस तरह से वो अपनी कक्षा में निश्चित रूप से चक्कर लगाता रहेगा और नाभिक में नहीं गिरेगा। तीसरी बात आती है, इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये एक प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं और इनमें ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर में उसी ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट, ये कक्षाएं या कोष के एल एम एन, अंग्रेजी के बड़े अक्षर ये के एल एम एन से दर्शाए जाते हैं, अथवा इनको 1, 2, 3, 4 आदि के द्वारा भी इनको दर्शा दिया जाता है। इन कक्षाओं को, ये कक्षाएं दर्शाई जाती हैं। अब बोर का परमाणु मॉडल कैसा था वो हम देखते हैं। ये बीच में नाभिक है और ये सबसे अंदर कक्षा है, ये तो बीच में होगा नाभिक, जो केंद्र में है नाभिक, जहां पर प्रोटॉन धनाभिसरण होते हैं। अब नाभिक के पास जो पहली कक्षा होती है, पहला घेरा, पहली कक्षा जहां इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, उसको कक्षा के कहते हैं। और n बराबर 1 का मान का मतलब होता है कि पहली कक्षा, या n मतलब कक्षाओं की संख्या, कक्षा नंबर 1 ये पहली कक्षा होगी जो नाभिक के बिल्कुल पास है और बहुत छोटी होती है, यानी कक्षाओं में सबसे छोटी कक्षा ये k कक्षा ही होती है। और दूसरा, इसके बाद में दूसरी कक्षा आती है l, कक्षा l, इसको दीजिए n बराबर 2, अर्थात ये दूसरी कक्षा है। फिर उसके बाद में आती है तीसरी कक्षा m, और इसको n बराबर 3, अर्थात कक्षा 3, तीसरी कक्षा। और सबसे बाहर जो लिखा रखी है इसमें, इस मॉडल में, वो कक्षा है n, यानी n बराबर 4, चौथी कक्षा। इस तरह से ये चार कक्षाओं का एक मॉडल यहाँ पर बना करके दिखाया है। इस तरह अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न भी लेते हैं साथ के साथ जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु उदासीन है तो क्यों है, उसने इसको किस तरीके समझाया। हिंट के तौर पे आपको अवगत कराया जा रहा है कि थॉमसन ने बताया था कि जितने परमाणु में ऋणाभिसरण इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु में धनाभिसरण प्रोटॉन भी होते हैं, यानी धनाभिस और ऋणाभिस की मात्रा बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यह थॉमसन ने बताया था। दूसरा सवाल है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणविक कण, अपरमाणु कण विद्यमान है। देखो, अपरमाणु कण 3 ही है जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे नाभिक के, और दूसरे होते हैं प्रोटॉन जो धनाभिसरण कण है और नाभिक के अंदर है। अब चूंकि तीसरे कण और भी होते हैं न्यूट्रॉन, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन की कोई चर्चा ही नहीं थी,
न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो बताइए कि रदरफोर्ड के समय तक परमाणु बोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणिक कण विद्यमान था, तो प्रोटॉन ही होगा, प्रोटॉन था। इसी तरह से तीन कक्षाओं वाले बोर्ड के परमाणु का चित्र बनाइए। अभी चार कक्षाओं बना दिया या तीन तक बना सकते हैं, आप चार कर दिखा सकते हैं इसको। तो चार कक्षाओं को यहाँ पर बना के लगा रखा है, उसमें के एल एम एन ये चार कक्षाएं दिखा रखी हैं। और क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी पर भी संभव है? दूसरी धातु की, देखो सोने की पन्नी ही क्यों नहीं रदरफोर्ड ने, क्योंकि उसको पतली से पतली पन्नी चाहिए थी ताकि परमाणु ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। यानी अगर मोटी पन्नी लेंगे तो परमाणु ऊपर नीचे बहुत सारे हो जाएंगे और उनमें अल्फा कण निकल के कैसे जाएंगे वो पता नहीं चल पाता। सोने में ये खासियत होती है कि इसकी पतली से पतली पन्नी बना सकते हैं और प्रयोग में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। अब लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने एक और अपरमाणिक कण न्यूट्रॉन की खोज की, यानी 1932 में खोज हुई, इसकी बहुत बाद में खोज हुई है, चूंकि ये उदासीन कण है इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी न्यूट्रॉन कण में, ये भी अपरमाणिक कण है जो परमाणु के अंदर पाया जाता है। पहला, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का भी होता है। अच्छा, लेकिन आवेश इस पर शून्य होता है, प्रोटॉन पर जैसे धनावेश होता है तो न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। नंबर दो, न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर स्थित होते हैं तथा इसे एन अक्षर से दर्शाया जाता है। इसका मतलब प्रोटॉन नाभिक में होते हैं पहले ही पता था, और न्यूट्रॉन का भी पता चला कि ये कण भी नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, ये बात बोर और बरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बताई। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर और बरी द्वारा प्रस्तुत किया गया और जिसे बोर बरी स्कीम कहते हैं। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसको ये स्कीम दी। क्या नियम थे इसके, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहकर चक्कर लगा सकते हैं, वो सूत्र 2n² से दर्शाई जाती है। सूत्र है 2n², 2n दो तो अंक हो गया और n स्क्वायर यानी कक्षा का वर्ग, पहली कक्षा है तो पहली का वर्ग, दूसरी कक्षा दूसरी का वर्ग, इस तरह से। तो यहाँ n बराबर कक्षा की संख्या। अब k कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहली कक्षा है k कोष, तो दो सूत्र के अनुसार दो आ गया गुणा n का वर्ग यानी पहली कक्षा का वर्ग, एक का वर्ग एक होता है तो एक दूनी दो, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दो रह करके चक्कर लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी कक्षा है एल, एल कोष या एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सूत्र के हिसाब से दो लिख दिया गुणा एन यानी कक्षा नंबर दो, तो दो का वर्ग कर दिया, दो दूनी चार और चार को दो से गुणा कर दिया तो आठ इलेक्ट्रॉन आ गए, अर्थात दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। और तीसरी कक्षा है एम, एम कक्षा में देखो दो गुणा एम का मान या एम का मान लीजिए तीन, तीसरी कक्षा है चूंकि तो तीन का वर्ग कर दिया, तीन किया नौ और नौ दुनिया अठारह इलेक्ट्रॉन हो गए। और चौथी कक्षा है एन, एन कक्षा है एन कोष में दो गुणा और एन का मान लीजिए चार, तो चार का वर्ग हो गया सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, तो बत्तीस इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। और इसने बोर बरी ने क्या क्या बताया, एक बात और बताई कि किसी परमाणु के लिए, इसको समझने की कोशिश करें, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं ले सकते जब तक कि उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। यानी क्या कहना चाहता है ये कि सबसे पहले नाभिक के पास में जो पहला कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो,
यानी उसमें उस कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन लेकर चक्कर लगा सकते हैं, अगर और इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इसके बाहर वाले कक्ष में आ जाएंगे और उसमें चक्कर लगाएंगे, और दूसरे कक्ष में आठ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब तक आठ पूरे नहीं हो जाते तब तक तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे। और इसी तरह से यदि पहले वाला कक्ष जब तक पूर्ण रूप से नहीं भर जाता इलेक्ट्रॉन से तब तक अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन चलेकर मन मर्जी से चक्कर लगाने लगे, ऐसा नहीं है। पहले नाभिक के पास वाले कक्ष भरेंगे, बचे हैं तो उससे बाद वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और फिर वो और बचे हैं तो उससे बाद वाले, ये अलग अलग तत्वों पर निर्भर करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस प्रकार से एक बिंदु आता है कि सबसे जो बाहर की कक्षा होती है इसका एक बिंदु रह गया, सर्दी को भी है सबसे नंबर तीन ले लेते इसको, सबसे बाहर के कक्ष में अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, यानी आठ से कम, अगर कम पड़ रहे हैं तो आठ से कम भी रह जाएंगे, अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे बाहर वाले कक्ष में आठ से ज्यादा नहीं जाएंगे। जैसे इस तरह से ये दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है 18 इलेक्ट्रॉन, तो इस तीसरे कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, उसके बाद फिर उससे अगले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये भी एक नियम है कि जो सबसे अंतिम कक्ष है उसमें आठ इलेक्ट्रॉन लेकर के चक्कर लगा सकते हैं, सबसे बाहर वाला कक्ष उससे कम हो सकते लेकिन उससे ज्यादा चक्कर नहीं लगाएंगे, आठ से ज्यादा चक्कर नहीं लगाएंगे, भले उसमें ज्यादा आ सकते हो लेकिन आठ से ज्यादा उसमें चक्कर, सबसे लास्ट वाले सबसे बाहर वाले कक्ष में अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे। इस प्रकार से ये था बोरबरी स्कीम, और अब लेते हैं संयुक्तता। तो संयुक्तता के अनुसार संयुक्तता के लिए संयोगकता, संयुक्तता क्या होती है, संयोग करने की क्षमता। अब क्या कहें संयोग करने की क्षमता क्या होती है, तो यह है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करते समय जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उस संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं, तत्व क्रिया क्यों करते हैं, पहली बात तो क्यों करते हैं क्रिया, क्योंकि उनके सबसे बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन आठ इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, या तो कम है या ज्यादा है, या तो छः सात इस तरह से हैं, या फिर एक दो तीन है सबसे बाहर कक्ष में, तो इस तरह से उसको अपने बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन आठ पूरे करने होते हैं, ये अष्टक नियम कहता है। और आठ इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है तो तत्व इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, और लेन देन कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं
दिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से लिए हैं, और या तो लेन देन होगा, और तीसरा विकल्प है साझा करना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा वो करता है, तो वह संख्या उसकी संयुक्तता कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन का उदाहरण ले लेते हैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, एक का मतलब होगा ये इसमें प्रोटॉन की संख्या एक पाई जाती है, तो हाइड्रोजन का ये जो परमाणु क्रमांक एक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन एक है इसमें, इस तरह से इसको बांटा, पहली कक्षा है की कक्षा और इसी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में अब चूंकि पहली कक्षा में आठ हो नहीं सकते, पहली कक्षा तो दो ही आएंगे, तो इस पर तो वो दो वाला नियम लागू होगा, आठ का नियम लागू नहीं होगा, तो अब या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देकर किसी को और इलेक्ट्रॉन जीरो कर ले, या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, या किसी से एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर ले, तो यह सामान्यतः एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देता है और इसकी संयुक्तता होती है प्लस एक, इसकी संयुक्तता प्लस एक है, देने वाली प्लस में आएगी प्लस एक है, कार्बन के साथ ये साझा भी करता है उस समय प्लस नहीं लगाएगी, उस समय एक ही कह देगी, तो ये देता है जो देने वाली की प्लस और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी माइनस। और दूसरा तत्व लेते हैं हीलियम, हीलियम एच ही, ये दूसरे नंबर पे आता है, इसमें दो प्रोटॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या में बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या दो है इसकी, तो इलेक्ट्रॉन भी दो ही होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को बांटो, पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दो इसके पूरे हैं, तो इसके जो एक ही तो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे हैं, अर्थात ये नए तो इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा न साझा करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन साझा कुछ नहीं करेगा, अर्थात इसकी संयुक्तता, इसकी संयुक्तता जीरो यानी शून्य है, संयुक्तता शून्य है। इसी तरह से अगर लिथियम भी निकालें, लिथियम Li और ये तीसरे नंबर का आता है, तो इसकी होगी पहले कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे किले के बाद L कक्षा में हो गए एक इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में दो आ गए पूरा भर गया और दूसरे में एक, अब ये दूसरे कक्षा में या तो आठ हो या फिर ये भी चला जाए, तो इसको आठ पूरे करने के लिए दूसरे तत्व से सात इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, लेकिन दूसरा कोई भी परमाणु इसको सात इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये क्या करेगा अपना सबसे बाहर का जो कक्ष है एल कक्ष, उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा जो लेने वाला होगा उसको, और उस तत्व को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चूंकि त्याग कर रहा है अतः इसकी संयुक्तता होगी, इसकी संयुक्तता प्लस एक होगी, प्लस एक है। इस तरह से हम संयुक्तता निकाल सकते हैं। अभी हम लेते हैं इससे आगे का एक से बीस तक के तत्वों के नाम लेते हैं, उनका द्रव्यमान संख्या ये लेते हैं, ये तो हो गया तत्व का नाम और ये हो गया प्रतीक, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या और ये होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, और इसकी संयुक्तता तो संयुक्तता कैसे देखते हैं, नंबर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रतीक हो गया इसका एच और हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन प्रतीक एच और प्रोटॉन की संख्या जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भी एक, अब चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन को बांट के देखो, पहले कक्ष में एक
और दूसरे में द्वितीय कक्ष है तो संयुक्ता होगी एक संयुक्ता इसी तरह से नंबर दो हीलियम एच ई इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो संयुक्त इसकी होगी जीरो। इसी तरह से लिथियम एल आई और तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बांटेंगे कैसे बांटेंगे इसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे दो और संयुक्त होगी जीरो दो एक का त्याग कर देगा संयुक्त होगी एक प्लस एक। और नंबर चार बेरिलियम बीई ये नंबर चार का आता है प्रोटॉन चार यानी प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या चार इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं चार। और ये चौथे नंबर पे आता है और साइड इसको प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही नंबर देकर के इनको रखा गया है इलेक्ट्रॉन भी चार इलेक्ट्रॉन बांटते हैं पहले कक्ष में दो दूसरे में दो ये दो का त्याग कर देगा इसके आ जाएगी प्लस दो। इसी तरह से पांच बोरोन बी और पांच पांच प्रोटॉन न्यूट्रॉन और छह नंबर लेते कार्बन सी छह प्रोटॉन छह इलेक्ट्रॉन। इस तरह से नाइट्रोजन एन और इसमें सात सात होते हैं न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आठ ऑक्सीजन ओ और इसमें होते हैं आठ और फिर होता है फ्लोरीन एफ और इसमें होते हैं नौ नौ प्रोटॉन नौ इलेक्ट्रॉन और दस ये होता है नियोन नियोन इसमें होते हैं एन ई इसका प्रतीक है दस और दस। अब मान लीजिए इसका निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को बांटना दस तो दस इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे पहली कक्षा में दो दूसरी में आठ हो गए दस के एल दो आठ बाहरी कक्षा में आठ पूरे हैं न इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा न साझा करेगा इसके संयुक्त हो जाएगी जीरो जीरो संयुक्त इस तरह निकाल लेंगे इस तरह इलेक्ट्रॉन को बांट करके हम एक से बीस तक के तत्वों की संयुक्त निकाल सकते हैं। अब लेते हैं नंबर क्या है सोडियम और ये होता है एन ए ग्यारह और ये अगर इसको बांट के देखें प्रोटॉन भी ग्यारह इलेक्ट्रॉन भी ग्यारह तो पहली कक्षा में दो दूसरी में आठ तीसरी में एक सबसे बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है अगर ये दे दे किसी को तब कक्षा रहेगी दो और सबसे लास्ट वाली में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा देगा तो इसकी संयुक्तता हो जाएगी एक यानी प्लस एक या एक संयुक्तता। वैसे संयुक्तता को प्लस माइनस में नहीं दिखाते हैं खाली अंकों से दिखा दिया जाता है लेकिन प्लस माइनस ये पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन किया है लिया है। इसी तरह सोडियम का हो गया और कोई देखते हैं ये मिटा करके नंबर बारह ये हो गया मैग्नीशियम Mg और इसमें 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। नंबर 13 पर एल्यूमिनियम Al और इसमें होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 13 सिलिकॉन इसमें होते हैं ऐसे ही प्रतीक है इसका 14 इसको देख लीजिए एक बार इलेक्ट्रॉन को बांटो पहले कक्ष में दो दूसरे में आठ दो दो आठ दस और बच गए चार। अब ये चार इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता और चार इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा तीन तक ही लेने सामान्यतः कर लेते हैं या तो तीन दे दी या तीन तक ले दिए और ये चार है तो ये हमेशा साझा करता है चार इलेक्ट्रॉन का और साझा करके वो हम कार्बन वाले पार्ट में उसका अध्ययन करेंगे साझा करता है और इसी तरह से तो इसकी संयुक्तता होगी चार संयुक्तता
बराबर 4 और 15 नंबर का आता है फास्फोरस पी और इसमें होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। 16 नंबर पर सल्फर एस, सल्फर होता है 16 और 16 प्रोटॉन देते हैं, 16 होते हैं। इसी तरह से 17 पर 20 तक देखते हैं क्लोरीन और ये होगा सी एल और 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 18 नंबर होगा ऑर्गन ए आर और 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम ये हो गया के, कैडमियम होता है 19 और 19 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, 19 और 20 पर होता है कैल्शियम CA और इसमें हो गए 20 20। अब मान लीजिए इसका निकालो और निकाल इलेक्ट्रॉन को बांटो 2 8 10 और 2 8 10 और बच गए 18 में से 8। इसके संयुक्त का बराबर 3, क्यों कि पहले कक्ष में 2 फिर दूसरे में 8 फिर तीसरे में 8 अंत में 8 है, तो एक नए इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा न साझा करेगा। मान लीजिए कैल्शियम भी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे 2 8 8 पहले में 2 फिर 8 फिर 8 इस तरह से अंत वाले में 8 रखते हैं इस तरह से, तो उसके बाद में 2 8 10 8 18 18 और 2 20 2 8 10 8 18 2 20 सबसे बाहर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसकी संयुक्त हो जाएगी संयुक्त बराबर 2 या 2। इस तरह हम संयुक्त निकाल सकते हैं 120 तक के तत्वों की और उनको हम इस तरह से दिखा सकते हैं।